हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, बड़ों को प्रणाम, छोटे को प्यार। कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह हो चुकी है, आज जल्दी उठ गया था मैं, मतलब कि उठाया गया हूँ मैं नहीं उठ रहा था, मगर फाइनली तुम्हारा भाई फिर जल्दी उठ गया। और आज है देवों का देव महादेव की रात्रि, महाशिवरात्रि है आज। तो फटाफट उठे हैं, नहाने जाएंगे, फिर मंदिर जाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली नहा के तैयार हो चुके हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है, मम्मी भी हमारी तैयार हो चुकी है। मम्मी दिख तो जाओ जरा, पापा भी हमारे हो चुके हैं रेडी। तो अब हम चल रहे हैं, तो फटाफट आपको हमारे भोलेनाथ के दर्शन करवा देते हैं। तो अभी ये थाली की सामग्री की लोटे लेके चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं साथ में। फाइनली आ चुके हैं मंदिर, बहुत ही आनंद आ रहा है और बहुत ही प्यारा सजा, बहुत ही बढ़िया, एकदम पूजा की तैयारी। भगवान जी के कपड़े, अभी मैं आपको बताऊंगा कपड़ों का अलग ही पिक्चर है, मगर बहुत ही शानदार। हनुमान लला की, दुष्ट ननन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जके निकट न जापे, देवी रात। तो दोस्तों, काफी बढ़िया दर्शन, काफी बढ़िया, मतलब मन को जो आनंद की प्राप्ति होती है ना, वो कहीं नहीं होती है। तो इसी के साथ यहाँ आरती हो चुकी है, अब चलेंगे घर। इसके बाद घर पे वो टीम का कल काम करवाया था, वो कम्प्लीट करवाएंगे, उसके बाद जाएंगे बड़े बम। बड़े बम पे हमारे भोलेनाथ, जो हमारे पुराने वाले, जिनके नंदी पे हम बैठ जाते थे, आपको बताया एक ब्लॉग में। पूजा करके आ चुके हैं, इतना ज्यादा आनंद, मतलब जो खुशी है ना, ये देख रहे चमक, ये चमक प्रभु के पास से ही आती है। भूख पापा को लग रही थी, बेचारे काट रहे हैं, मगर यहाँ खा कौन रहे हम। उपास से आज हमारा महाशिवरात्रि, आज तो जगह जगह खिचड़ी भी बटेगी। दोस्तों, मैं व्हाट्सअप करने वाला हूँ कहाँ कहाँ खिचड़ी बट रही है, मैं वहां जरूर आके खाना चाहूंगा, क्योंकि आई लव खिचड़ी, वो भी साबूदाने की, और घर के बने हुए नहीं जमती, भंडारे वाली जो उबाल के, उसमें आलू ना कोथमीर आ रही, अक्की की अक्की। अल्टीमेट हम पूरा तैयार हो गए थे कि हम जा रहे हैं मंदिर, मगर मम्मी बोली बेटा जाते जाते चाय, तो चाय को हमसे मना नहीं हुआ, चाय की नाट लग जाती ना तो भैया फिका जाते हैं, और हम बहुत ही ज्यादा गिरे हुए हैं, मतलब अभी बीच ऐसा वाला नहीं यार, गलत सोच, अभी बीच में फिका गए थे हम दो तीन बार, से गाड़ी से उतरते हुए गिर गए, मतलब तुम्हारा भाई है ना कहीं पे भी ढुलकने लग गया है तो इसलिए नाट तो हम बिल्कुल भी नहीं सहन करेंगे। तो चाय पीते हैं, उसके बाद जाते हैं मंदिर। तो जैसे कि हमने फल फ्रूट खा लिए थे और हमको बहुत ही जोर की भूख लग रही थी, तो हमारी प्यारी मामी लाई और हमारे लिए क्या लाई, साबूदाने की खिचड़ी। तो मामी थैंक यू सो मच, अब और मजा आने वाला है, इसको फटाफट फिनिश करते हैं, खा रहे खिचड़ी, खिचड़ी के साथ चाय, बहुत ही गंदा कॉम्बिनेशन है, मगर टेस्टी लग रहा है। खिचड़ी में नींबू नहीं है, कभी नींबू हो तो गलती से भी ये ना करें, नहीं तो पेट में जाके फट जाएगा, फिर कल सुबह वाट लग जाएगी। जा रहे हैं फाइनली भोलेनाथ के मंदिर, तो आ गए हम हमारे मंदिर के पास। तो अभी जाते हैं दादा के घर, वहां से लोटा लेंगे तांबे का, फिर जल चढ़ाने के लिए, फिर जल चढ़ाएंगे, ले लिया है पानी और चल रहे हैं हम। तो ये एंट्री, यही थे वो नंदी जिनपे हम बैठे हैं। तो जो दर्शन हुआ बहुत ही बढ़िया है, मगर जो शाम को होंगे, इतना बढ़िया तरीके से सजावट होगी, तो आपको शाम तक यहाँ पे लाएंगे। तो बहुत ही काफी बढ़िया दर्शन हो चुके हैं और वापस से आ गए हम ताऊ जी के पास, तो यहाँ हमें मिला एक और बच्चा। ये शैतान बच्चा कौन है, कौन है? अभियान ने हमको पकड़ लिया है, छोड़ दे रहा है। अरे भैया, तो अरे भैया छोड़ दो हमको, अरे भैया छोड़ दो ना, ये जाने नहीं दे रहे हैं हमें नहीं, अरे अरे भैया छोड़ दो, अरे छोड़ दो ना, अरे नहीं ना, अरे अभी इसको ऐसी लेके जाना पड़ेगा। हमारा अभियान ऐसे खेलता है घर उनके बच्चे के साथ। दोस्तों, इतना बढ़िया भजन चल रहा है मंदिर के आगे, मजा आ रहा है, झूमने का मन कर रहा है। तो इसी के साथ अभी हम जा रहे हैं एक जरा इम्पोर्टेंट काम से। दोस्तों, काम कर आ गए थे, तो यहाँ पे भाभी मानी नहीं, भाभी ने हमें खिला दी यहाँ परियाली। मम्मी हमें डांटेगी कि बहुत सारा बनाया है पता है, और हम जगह जगह भी जाके खाएंगे, मानेंगे जरा नहीं, मगर अब भाभी ने इतने प्यार से क्या बनाया है, रबड़ी, साबुदाने की खिचड़ी, सिंगाड़े की पूड़ी,
तो दोस्तों बहुत लाजवाब फरियाल के साथ अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। आपको शिबू चाचा वैसे डांस कराएंगे दिखाएंगे। तो इसको ऐसे पकड़ो भैया, भैया की डिमांड मैं चाहता नहीं हूँ करना। तो दोस्तों भैया को ये वाली स्टेप सिखाई थी करके बताएगी नहीं, टकर टकर टकर। तो अब हम जा रहे हैं घर फटाफट। दोस्तों आ गए थे हम घर और अब वापस जा रहे हैं शॉप पे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि आज हम जरा शॉप पे कुछ काम करवा रहे हैं, तो काम फटाफट करवाते हैं। टीन शेड लगवा रहे हैं, काम क्या है, छोटा सा काम है। तो फाइनली दोस्तों टीन शेड का काम चल रहा है। जैसे इस वाली शॉप पे टीन शेड है, वैसे हमारी उधर वाली पे भी आ जाएगा। धूप का कारण बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, तो यही काम में आज बिजी रहेंगे। उसके बाद 4-5 बजे तक चलेंगे भोले बाबा के मंदिर। तो जैसे कि आज भोले की बारात निकलेगी, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम होगा। तो फाइनली दोस्तों काम आधे से ज्यादा हो चुका है और काम का निरीक्षण के लिए आ चुके हैं पटेल साहब। पटेल साहब कैसा काम हो रहा है? अच्छा, पहली बार इतना अच्छा जवाब कैसे दिया? तो बस रात्रि ना झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा ये, अरे वाह यार, उपास के कारण। उपास के कारण? और उपास किसका था कल तेरा? सोमवार का। शैतान बाबा का? शैतान बाबा का भाई। हमारा भाई ऐसा ऐसे उपास नहीं करता, करता तो शैतान बाबा की उपास करता है। तो शैतान बाबा की, साले सबके सामने थोड़ी नहीं करना था ये। चलिए दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर से। दोस्तों टीन शेड लग चुका है, अब ऊपर का गेट बन रहा है, उसी के साथ अब हम आए हैं थके हारे। मतलब मम्मी का तो कल से उपवास था, मैंने तो एक बार की खिचड़ी भी खा ली थी, दाऊ जी के यहाँ भी खा ली, फिर मामी ली आई थी वो भी खा ली ना, फिर मैंने भटके भुटके कुछ और भी खा ली थी, मगर अब मम्मी ने बना लिया फरियाल। टाइम हो रहा है 4, तो अभी फरियाल कर रहे हैं। तो मम्मी बस परस दो, बहुत ही टेस्टी आपको बताता हूँ, आलू की सब्जी, खिचड़ी, ये मम्मी के हाथ का बना हुआ मिक्सचर। आज की मेन स्वीट डिश तो यही है, शकरकंद का हलवा, पापड़। दोस्तों यार 2 दिन के काम को 3 दिन लगा दिए, इतना लेट काम कर रहे हैं हमारे काम करने वाले भैया। मगर आज हमारे शॉप वाला काम तो हो चुका है, घर वाला काम कल सुबह आके करेंगे, क्योंकि हमने बोला भैया जाओ हमारे को शिवरात्रि मनाना है यार, हम मंदिर जाएंगे। तो अभी बज रही है 7:30, मतलब अभी फ्री हुए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर। आपको जैसे सुबह बताया था, हमारे भोलेनाथ सच चुके, उनकी बारात भी निकल गई है, काम के चक्कर में बारात भी नहीं अटेंड कर पाए, मगर आप क्या कर सकते हो, सॉरी भोलेनाथ, मैं अपने भोलेनाथ समझते हैं यार। दोस्तों आ गए हैं हमारे मंदिर में। तो जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि शाम को भोलेनाथ के दर्शन करवाएंगे, तो वैसे ही आपके पास लेकर आया हूं मैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया गया है भोलेनाथ को, हमारे नंदी भगवान भी एक नंबर लग रहे हैं स्मार्ट। पुरुषोत्तम राम। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अभी बारात निकली हुई है भोलेनाथ की, तो बहुत भीड़ रास्ते में मिलेगी, और मम्मी पापा लक्ष्मी माता मंदिर में, तो उनको वहाँ से लेते हैं। तो बारात देखते हुए आ रहे थे, तो बारात हमें यही रास्ते में मिल गई है। तो दोस्तों माल लक्ष्मी मंदिर में आते सब भगवानों के दर्शन कर लिए, और मम्मी आ चुकी है, पापा रेडी हमारे खड़े ही है, तो बस अब इसके साथ निकल रहे हैं अपने भोलेनाथ के मंदिर। तो दोस्तों जैसे कि आपको हम हमारे मंदिर लिया है शुकेश्वर महादेव। दोस्तों क्या माहौल, वाह। तो दोस्तों जो आनंद आ रहा है, मतलब इस आनंद का तो मैं कुछ बयां ही नहीं कर सकता, इतना बढ़िया लग रहा है। पुराने घर वाली फिर से फीलिंग आ चुकी है, बचपन वाली। आपको एक बार मेरे साथ में दिखाता हूँ मेरे भोलेनाथ, मतलब कि इतने सुंदर, अरे वो तो हमेशा ही सुंदर दिखते हैं। जब गुलाब का फूल खिलते हैं तो बहुत सुंदर। अरे ये अभी से नहीं, ये मम्मी पापा ये लोग बहुत बढ़िया, मतलब कि पहले से रंगोली से गुलाब के फूल से बहुत बढ़िया तरीके से। दीदी लोग छोटी से थे, मतलब मैं कब की बात बता रहा हूँ, जब तो मैं खानी तब की बात बता रहा हूँ, कि उसके पहले से करते हुए आ रहे हैं हमारे पिताजी लोग। तो काफी, मतलब ये मंदिर कभी हम, अरे माहौल ही अलग है इस मंदिर का। तो अब यहाँ आरती होगी, आरती में रुकेंगे, दर्शन करते करते और यहाँ पर पुराने वाले और मतलब यहाँ आया ना, तो जब से ब्लॉग बना रहे हो ऐसा लगे कि यहाँ क्या बनाओ कि नहीं बनाओ, ये करो ये करो, मेरा मन मस्ती से We'll be right back.
और इसी के साथ दोस्तों बहुत टाइम हो गया यहाँ पे और अब हम निकल रहे हैं घर, तो सभी को अलविदा कहेंगे, तो बाय बाय, अब हम जा रहे हैं। मम्मी चलो ना दोस्तों, घर जाने के चल रहा था मगर फैमिली है, फिर यहाँ बातचीत करने के लिए सब लोग रुक गए। तो आज गुल्डी भैया को दे रहा हूँ मैं चैलेंज कि आप ऐसा कर सकते, आप भी देखना, जरा मोबाइल पकड़ना। गुल्डी भैया आज तक किसी ने नहीं किया होगा, आप ऐसा करके ऐसा कर सकते हो, हाथ में जाते दोस्तों, अब मिलते हैं आपको घर पे। तो दोस्तों आज का दिन बड़ा ही बिजी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब था। इसके साथ दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ चाय पीते पीते सोते, मतलब यार हमारी रात ऐसी होती है, चाय पियो फिर सो जाओ। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे मिलते हैं, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।